हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई टोल्ड यू हाफ क्वेश्चन आंसर इन माय प्रीवियस वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड। फाइव क्वेश्चन इज, समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाए। समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाए। फाइव क्वेश्चन इज, समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाएं। आपके पास में ऊपर ब्रैकेट में राइट है ये समान अर्थ वाले, तो हमको करना है इनको देख कर राइट करना है। ओके, तो कै भगवान, कै भगवान, तो भगवान का सेम अर्थ कौन सा हो गया, समान अर्थ ईश्वर। भगवान को हम ईश्वर भी कहते हैं। ओके, खै रास्ता का समान अर्थ राह है। गए समुद्र समान अर्थ सागर। समुद्र सागर। घर नमूना समान अर्थ, नमूना का समान अर्थ आदर्श। नमूना आदर्श। शीतल का समान अर्थ ठंडा। शीतल ठंडा। उच्च समानार्थ उच्च का ऊंचा। रिपीट, भगवान ईश्वर, रास्ता राह, समुद्र सागर, नमूना आदर्श, शीतल ठंडा, उच्च ऊंचा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ यानी विपरीत, उल्टे अर्थ विपरीत। क उत्तर, उत्तर का प्रश्न भी होता है वैसे, और इसमें
राइट करना है उत्तर का दक्षिण, क्योंकि इस लेसन में उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन के बारे में पूछा था, इसलिए उत्तर का दक्षिण। चाहे तो आप दक्षिण और प्रश्न भी राइट कर सकते हो। उत्तर का उल्टा अर्थ विपरीत हो गया दक्षिण प्रश्न। खैर, हमारा 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 का विपरीत तुम्हारा। हमारा तुम्हारा गए एक, एक का विपरीत अनेक, एक अनेक, एक अनेक। घर अच्छा, अच्छा, अच्छा का विपरीत बुरा। रिपीट, उत्तर दक्षिण प्रश्न। खै हमारा तुम्हारा, एक अनेक, अच्छा बुरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। सेवन क्वेश्चन इज, चित्र देखिए, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों में खाली स्थान भरिए। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों में खाली स्थान भाइये। सेवन क्वेश्चन इज, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों में खाली स्थान भरिए। कह भारत बहुत प्यारा देश है। भारत बहुत प्यारा देश है। इसमें प्यारा मिसर जो हमने फिल किया है। खै यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है। यहाँ ऊंचे 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 पर्वत है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है। गए जल से भरी नदियां हैं। तो मिसिंग क्या है इसमें? मीठे, मीठे जल की
भरी नदियाँ नदियाँ गए मीठे जल की भरी नदियाँ है है यहाँ के झरने मनोहर गीत गाते हैं यहाँ के झरने मनोहर गीत गाते हैं यहाँ के झरने मनोहर गीत गाते हैं चै मुझे अपना देश बहुत न्यारा लगता है मुझे अपना देश मुझे अपना देश बहुत बहुत न्यारा लगता लगता है मुझे अपना देश बहुत न्यारा लगता है रिपीट इट कह भारत बहुत प्यारा देश है ख यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है ग मीठे जल की भरी नदियाँ है घ यहाँ के झरने मनोहर गीत गाते हैं च मुझे अपना देश बहुत प्यारा लगता है एट क्वेश्चन इज एट क्वेश्चन अपना व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए तो मैंने आपको अभी संज्ञा पढ़ाया नहीं है इस बुक में संज्ञा आया है इसलिए पहले हम ये कर लेते हैं और ग्रामर स्टार्ट करेंगे तब उसमें संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति किसी किसी विशेष व्यक्ति स्थान स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं व्यक्ति वाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते व्यक्तिवाचक
बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के प्राणियों वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि विशेष व्यक्ति चाहे वो लड़का या लड़की, ओके, लड़का लड़की ये किसी व्यक्ति का नाम है, लड़का लड़की, ओके। और नेम, जब किसी लड़का का नेम आ जाए, किसी भी लड़के का नेम आ जाए, जैसे रोहित, ओके, और लड़की प्रिया, आपको पता है ये रोहित लड़का एंड प्रिया लड़की, तो ये विशेष नाम हो गया, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही स्थान चाहे स्थान कोई भी हो, जैसे घर ले लो, बगीचा ले लो, और विशेष क्या हो गया, हवा महल, ताज महल, ओके। ऐसे ही वस्तु वस्तु में जैसे गेंद कोई भी हो सकती है, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, ओके। ये क्या हो गई, विशेष हो गई, गेंद तो है ये, पर ये फुटबॉल और वॉलीबॉल, ओके। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के प्राणियों वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनकी डिटेल हम जब ग्रामर पढ़ाएंगे तब डिटेल में पढ़ाऊंगी, ओके। अब आप पाठ में से चार चार व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए।
तो व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष के बारे में जो बताते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस लेसन में व्यक्तिवाचक भारत, भारत, हिमालय, दक्षिण उत्तर, ओके। और जातिवाचक संज्ञा देश, पर्वत, देश, पर्वत, सागर, मंदिर, व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत, हिमालय, दक्षिण, उत्तर, जातिवाचक संज्ञा देश, पर्वत, सागर एंड मंदिर, ओके। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, आपको ये आज का वर्क बुक में ही करना है, ओके। थैंक यू।